नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी आप सभी का अभ्युदय नीट फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों को एक टॉपिक जो अगला हमारा है वेव मोशन, इस पर चर्चा करूंगा। तो बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के लिए हम लोगों के पास पूरा साउंड कवर करने के लिए दो टर्न है, और इस दो टर्न में जो बेसिक थिंग्स हैं जो आप लोगों ने पहले किए हुए हैं उन पे हल्की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उन बातों पर आएंगे जिनसे आपका रिलेशन सीधा एग्जाम में है। तो हमारे साथ में इसको जरा सा आप समझिएगा बात को, और कोशिश कीजिएगा जो भी छोटी छोटी बातें हैं उन सबको प्रिपेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे बच्चों, व्हाट इज वेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेव क्या है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस है विच प्रोपोगेट इन द मीडियम, मीडियम में प्रोपोगेट करता है, और ड्यूरिंग प्रोपोगेशन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एज वेल एज मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ध्यान रहे, मीडियम पार्टिकल्स मैटर जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, वेव के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वेव पर अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन जिसका हम नाम देंगे, तो क्लासिफिकेशन में वेव को हम सबसे पहले अगर बात करें तो एक हमारे पास में एक तो हम बात करेंगे वेव, वेव के बारे में आप समझिए कि मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें, नेसेसिटी जो है मटेरियल की, तो हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों वेव हमारी मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स जिनमें रिक्वायरमेंट है मीडियम की, वेयर एज अच्छा मैकेनिकल वेव को मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इलास्टिक वेव्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो मीडियम रिक्वायर्ड है उसकी वजह से। अदरवाइज नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं, तो इनमें मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप समझिए लाइट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे उसी में लाइट है, रेडियो वेव्स आ जाते हैं, इनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो ये मीडियम के नेसेसिटी हो गई। दूसरा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में, तो मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वेयर एज नॉन मैकेनिकल जो वेव्स हैं उनमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। और अगर डायमेंशंस पे बात करें तो वेव्स तीनों ही डायमेंशन में ट्रेवल करता है, दैट इज वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशंस हैं, और टू डायमेंशनल ऑन द सरफेस ऑफ, जैसे वाटर के सरफेस पर वेव्स का जो बनना होता है, और थ्री डायमेंशंस जो साउंड है हमारी जो है ना वॉइस आप देख रहे हैं, ये लाइट, लाइट का कह लीजिए, लाइट इन ऑल डायरेक्शंस चलता है, तो ये थ्री डायमेंशन में आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि वेव मीडियम पार्टिकल्स के मोशन के बारे में अगर बात करें, तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मैकेनिकल वेव्स, जैसा कि आप जानते हैं बेसिक बात है, आर ऑफ टू टाइप्स है ना, वन इज ट्रांसवर्स वेव्स एंड द अदर वन इज लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्स वेव्स में देखिए, ये बात आप लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है आपके लिए। ट्रांसवर्स वेव्स में बच्चों मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेट इधर को कर रहा है, सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर डिस्टर्बेंस किया और ये जो वेव्स बन के आगे बढ़ने लगे, प्रोपोगेट होने लगे। तो अगर मीडियम पार्टिकल्स की बात करें तो मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मतलब परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। इन किसमें? ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, तो ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और इनमें आप देखिए यहां पर क्या बनते हैं,
क्रिस्टन ट्रफ्स बनते हैं। तो मीडियम पार्टिकल जो हाईएस्ट मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब चले जाते हैं तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्रिस्ट कह देते हैं, और इसी तरह से लोएस्ट पॉइंट इनको ट्रफ्स कह देते हैं। क्रिस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड। वेयर एज अभी हम दूसरी बात करते लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स पैरेलल, तो वेव प्रोपोगेट कर रहा है पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये भी बात आप लोग जानते हैं। तो उसमें भी कहीं कहीं पर मीडियम पार्टिकल्स पास पास, कहीं दूर दूर, कहीं पास पास, कहीं दूर दूर, और इनको आप जो देख रहे हैं ये कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, कंप्रेस हो जाता है जहां पर, तो और कहीं कहीं पर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, अल्टरनेटिवली कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। तो यहां पर हम लोग बात ट्रांसवर्स वेव्स की कर ले, मैकेनिकल वेव्स की बात हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव्स देखना है और उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो मैंने आपसे बताया कि ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट और ट्रफ्स बनते हैं, इनके बारे में कुछ और भी बातें आप लोगों से बता दूं तो बेहतर होगा। थोड़ा सा ये देखिए कि अगर हम इन वेव्स की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स की बात चल रही है, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। वैसे तो सरफेस पर और सॉलिड्स में दोनों पे बनते हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स में, लेकिन सॉलिड्स में भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल भी बन जाते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी बन जाते हैं। तो सॉलिड्स में अगर वाइब्रेशंस इस तरह से हो रहे हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक रॉड है, इस पे हैमर यहाँ से किया जा रहा है, तो ये वाइब्रेशंस ये जो इस तरह से हो रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हो गए। वेयर एज अगर हिटिंग सामने से कर देते, इसको रब कर देते, स्क्रैप कर देते, यहाँ से डिस्टर्ब कर देते, फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप करते, तो इनमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बन जाते। तो डिपेंड करता है कि ये किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, तो किस तरह से वाइब्रेशंस यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं सॉलिड्स में। और स्ट्रिंग का भी वही, स्ट्रिंग में भी है, स्ट्रिंग के भी लिए है एग्जांपल कि उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसवर्स हैं, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि भाई जो टेंशन है ट्रांसवर्स वेव्स ऑलवेज स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करने से वाइब्रेशन से बन रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी बातें आप लोग जरूर देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में याद कीजिए कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को SHM में काफ़ी बातें बताई थी, उन्हीं बातों को यहाँ पर बहुत जल्दी से एक ब्रीफ देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जो बातें थी हमारी, उनमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो थे वो था, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें उसी में साथ साथ बताऊँ, जैसे मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड बताया था और मैंने फ्रिक्वेंसी पर बात की थी, तो टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशंस की वहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर वेव के लिए बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड किसको कह देंगे, जो भी यहाँ पर डिस्टेंस, या पहले सबसे पहले हम आपसे वेव लेंथ की बात कर लेते, तब उसके बाद में टाइम पीरियड पर बात करेंगे, तो यहाँ पर टाइम पीरियड को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो भाई वेवलेंथ के बारे में समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इन विच एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन साइकिल। वन साइकिल से मतलब है कि ये देखिए कंप्लीट वन साइकिल आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रही, और इसी को हम लोग यहां पर वेवलेंथ, ये इस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। अभी आप लोगों को यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि वेवलेंथ के लिए एक यहां पर और तरीका है डिस्क्राइब करने का, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेस।
तो सेम फेस में ये पार्टिकल्स, कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेस, इनके बीच के डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेस। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, इसके साथ में ये भी यहां पर से यहां तक ये देख पा रहे हैं लेमडा है, और अगर यहां पर देख रहे होते तो इसके साथ में ये यहां पर लेमडा हो जाता, तो इसके साथ में जैसे यहां तक ये डिस्टेंस यहां पर लेमडा हो जाता है ना, वन कंप्लीट जो यहां पर साइकिल दिखलाई दे रहा है। अभी टाइम पीरियड की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वन कंप्लीट वेवलेंथ, वन जो वेवलेंथ का जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर टाइम पीरियड ही तो कहेंगे। एक कंप्लीट यहां पर वेवलेंथ के लिए जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ, टाइम टेकन इन कवरिंग डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ, तो पूरा वेवलेंथ और टाइम पीरियड का एक ही तरह से बिल्कुल बात चलेगी। जैसे यहां पर एक बार बच्चों ध्यान दीजिएगा, मीन पोजीशन के जैसे एक तरफ जाने की बात हो रही थी, फिर वापस आना, दूसरी तरफ जाना, फिर वापस आ जाना, तो इसमें ये चार पार्ट में अगर हम बांट रहे थे तो उसी तरह से ध्यान दीजिए कि ये टी बाई टू है, टी बाई फोर है, अनदर टी बाई फोर दैट इज टी बाई टू, या फिर ये थ्री टी बाई फोर है, और ये फोर टी बाई फोर दैट इज कंप्लीट टी। तो ये चार भागों में जो मैंने आपको बांट करके दिखलाया है, ये जीरो से यहां पर से चल रहा था, और इसी तरह से आप वेवलेंथ को भी देखेंगे तो यहां पर से यहां तक वेवलेंथ लेमडा बाई फोर रहेगा, और ये हाफ देखिए, अगला हाफ जो आपको दिखलाई दे रहा है अनदर लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर कंप्लीट, यहां से यहां तक ये लेमडा बाई कंप्लीट लेमडा वेवलेंथ आपको यहां पर दिखलाई दे रहा। तो वेवलेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज ये आपको हर्ट्ज जिसका यूनिट था, पर सेकंड जिसको आप बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी को, तो इसको भी हम लोग बात कर चुके हैं। और इसमें आगे हम लोग बात करना चाहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, जान रहे हैं, टू पाई बाई कैपिटल टी, ये याद रखिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तो फेस के बारे में मैंने बताया ही था आप लोगों को, फेस टेल्स अबाउट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल, है ना। तो ये बात हम लोग कर चुके थे आपसे कि जैसे सपोज कीजिए कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अगर मेरे इक्वेशन के लिए है तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कह रहे थे, फेस कह रहे थे बच्चों। तो अभी देखिए आगे चलते हैं, यहां पर एक एम्पलीट्यूड भी तो टर्न था, तो एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। कोई पार्टिकल किसी समय पर आपने पिक्चर लिया, कुछ पार्टिकल ऊपर है, कुछ नीचे, कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, तो ये इसके लिए एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये भी छोटी सी एक बात है। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखिए एक टर्म और है हमारे पास में, एंगुलर वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेव नंबर, देखिए, और एंगुलर वेव नंबर, इसे बच्चों यहां पर हम के लेटर से दिखला रहे हैं, स्मॉल के से, और इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए के इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा, ये एक टर्म आप लोग देख लीजिए। और एक छोटी सी बात यहां पर नोट कर लीजिए, दैट इज व्हाट, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर यहां पर नोट कर लिया जाए, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, तो इसको भी वेव नंबर से हम लोग यहां पर दिखला सकते हैं, दैट इज उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, के अपॉन टू पाई से दिखलाएंगे, है ना,
वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ है ना, के अपॉन 2 पाई। जरूर नोट कर लीजिए, छोटी सी बातें ये आप लोग देख भी लेंगे। तो चलिए अब आगे चल रहे हैं, पार्टिकल वेलोसिटी इन वेव मोशन। पार्टिकल वेलोसिटी इन वेव मोशन को बच्चों बताने के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर यहां पर मैंने बताया ना, पार्टिकल मीन पोजीशन से अपनी जगह से वाइब्रेट करेगा मीन पोजीशन के दोनों तरफ, तो उसके लिए आप देखिए, अगर किसी समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही आपको दिखलाई दे रहा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए देखिए क्या करेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी तो हम क्या करें, इसे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दे देगा हमें ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी को फर्दर फिर से हो जाएगा तो ए ओमेगा कॉस। ये किसी भी पार्टिकल के लिए क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी मिल गई किसी पार्टिकल की, वेलोसिटी भी। अब देखिए यहां पर ये तो मिल गया पार्टिकल वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी की हम बात करें, जरा सा इसको ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपको वेव मैंने बताया दिखाई दे रहा है, तो ये यहां पर y और ये इस तरफ में प्रोपोगेट कर रहा है x डायरेक्शन में, और ये देख रहे हैं ऊपर नीचे जो वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी के लिए आपने यहां पर इसको वेव वेलोसिटी निकाल लिया, कितना dy ओवर dt, और ये a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स है। अब देखिए यहां पर अगर हम इसे ये चाहते हैं, स्लोप चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, स्लोप चाहते हैं तो स्लोप के लिए क्या dy ओवर dx होता है, तो dy ओवर dx के लिए हम क्या करें कि इसे विद रिस्पेक्ट टू x, इसे आप क्या करें डिफरेंशिएट कर दें, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल जाएगा, जरा इस बात पे ध्यान दे लीजिए। अच्छा एक बात उससे पहले हम और आपको बता लें बच्चों, देखिए भाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना आप लेंगे, ये वेव इक्वेशन था, उसके बाद वेव वेलोसिटी के बात पे, तो पार्टिकल वेलोसिटी पहले वेव वेलोसिटी को हम और देख लेते हैं, वेव तो भाई वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू आप लोग n लेमडा जानते हैं है ना, या फिर v इज इक्वल टू कितना जान सकते हैं, लेमडा बाई डी, 1/T को n ही तो कह रहे हैं यहां पर, और इसको यहां पर t को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना, देखिए लेमडा अपॉन 2π/ओमेगा, ओमेगा से कर दें, तो अभी यहां पर देखिए हो गया ये ओमेगा अपॉन 2π/लेमडा, और इसे आप लोग यहां पर k नाम दे रहे थे, तो ओमेगा अपॉन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना था ये, तो ये देखिए वेलोसिटी को आप क्या लिख रहे हैं, वेव वेलोसिटी को ओमेगा बाई के नाम दे रहे हैं। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअली इसको पहले इसलिए निकाल लिया कि यहां पर इसको फर्दर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स देखिए कितना निकलेगा, साइन के लिए ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहां पर x के रिस्पेक्ट में है, तो माइनस के आपको और ये दे देगा, ठीक है ये माइनस के a cos ओमेगा t माइनस के x। अब देखिए यहां पर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ओमेगा से आप समझ जाएंगे क्यों करके ऐसा कर रहे हैं, cos ओमेगा t माइनस के x, तो इस क्वांटिटी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपके सामने है कितना लिख सकते थे इसको, dy ओवर dt से लिख सकते हैं a ओमेगा cos, तो और ये जो आप देख पा रहे हैं k अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन k को b लिख रहे थे, तो इसको 1/v कर देंगे, और ये dy ओवर dt, तो ये जो आप देख पा रहे थे
डी वाई ओवर डी एक्स, इसका वैल्यू आपको कितना मिल गया, माइनस दिखलाई दे रहा है ना बच्चों, माइनस वन अपॉन वी डी वाई ओवर डी टी, देखिए ये आपको दिखलाई दे रहा होगा, ओके डी वाई ओवर डी एक्स इज माइनस वन अपॉन वी डी वाई ओवर डी टी। और अभी आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द वेव, स्लोप ऑफ द वेव है स्ट्रिंग के लिए, कह लीजिए कि एट एनी पॉइंट एक्स, तो दिस इज व्हाट डी वाई ओवर डी एक्स इज, डी वाई स्लोप ऑफ द वेव कहेंगे एट डिस्टेंस, ये जो एक्स डिस्टेंस है किसी भी एक्स डिस्टेंस के लिए सभी पार्टिकल्स के अलग अलग स्लोप है, तो एट एनी डिस्टेंस एक्स, ये एक्स डिस्टेंस पर स्लोप ऑफ द पार्टिकल है, इसको प्लीज नोट किया जाए। अब बच्चों एक और बात आपको बताना चाह रहे थे कि अगर वेलोसिटी हमें मिल गई पार्टिकल के लिए और इसे हम फर्दर एक बार फिर से देखिए डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए इसको क्या करें, देखिए v इज इक्वल टू हमें मिल चुका है डी वाई ओवर डी टी, और वो कितना मिल गया था, ए ओमेगा कॉस माइनस के, ये छोटे छोटे टर्म है थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए टी के रिस्पेक्ट में है तो एक और ओमेगा आ जाएगा, कॉस के लिए साइन हो जाएगा माइनस में ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसे आप देख पा रहे हैं अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस, तो ये आपको क्या देगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो क्या था वाई था, यही तो वाई था। तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन आपको कितना मिल गया बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन, इतना आप लोगों को जरूर समझ में आना चाहिए, ओके। अच्छा ये भी बात ध्यान रखिए बच्चों, ये क्या है एट टाइम टी, और कोई किसी टाइम टी पर पार्टिकल जो एक्स डिस्टेंस पर है उसके लिए यहां पर एक्सेलरेशन, वाई का वैल्यू तो आप शुरुआत में जान ही रहे कितना वाई का, जहां पर ये वैल्यू वेयर वाई इज दिस, वाई इज दिस। अब देखिए बच्चों इसमें यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये एक्सेलरेशन जो आप देख रहे थे यहां पर ये साइन के टर्म्स में आपको जो दिखलाई दे रहा है इसको साइनोसॉइडल भी बोलते हैं ना, साइन में है ना, साइन नाम आया है तो इसको साइनोसॉइडल वेव नाम दिया जाता है, नोट भी कर सकते हैं क्या इसको, हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, ये नाम है नोट कर लीजिएगा एस आई साइनोसॉइडल। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों, एक रिलेशन हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस, इन तीनों में एक रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं वेव के लिए, इनको जरा सा अच्छे से समझिए और देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जब भी पार्टिकल के फेज डिफरेंस होंगे तो उन समय पर टाइम डिफरेंसेस क्या क्या होंगे और पाथ डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। तो आपको सबसे पहले एक वेव मैं जो यहाँ पर दिखला पा रहा हूँ इसी को लेकर के चलते हैं, और देखिए इसमें आपको देखिएगा यहां पर से एक समरी जैसी हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं, तो मैं इसे बना देता हूं फिर आपसे डिस्कशन कर। तो चलिए बच्चों एक बार इस पे हम बात करते हैं, फेस डिफरेंस अगर हमारे पास
जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू भी पाई बाई टू के डिफरेंस पे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन फेस डिफरेंसेस पर पाथ डिफरेंसेस और ये टाइम डिफरेंसेस को भी हम लोग देख लें तो क्या क्या मिलेंगे। तो यहां से देखिए बच्चों, जरा सा ये और ये पार्टिकल यहाँ पर फेस डिफरेंस पाई बाई टू पर है, यहाँ पर जीरो पर, तो सभी कुछ जीरो। हम ये कहना चाह रहे हैं जबकि यहाँ पर जीरो फेस डिफरेंस है, तो जब जीरो फेस डिफरेंस है तो लेमडा भी जीरो और यहाँ पर टाइम पीरियड भी, मतलब टाइम डिफरेंस भी जीरो। लेकिन अगर हम बात करें कि पाई बाई टू के जो फेस डिफरेंस है पार्टिकल, तो इनके लिए हमने आपको बताया था कितना है पाथ डिफरेंस इनका कितना है, लेमडा बाई पाई बाई टू पर लेमडा बाई फोर होगा। देखिए पाथ डिफरेंस कितना, लेमडा बाई फोर, कितने पाई बाई टू के फेस डिफरेंस पर। और अगर हम बात करें बच्चों यहां पर देखिए पाई, तो इसका इसका देखिए यहां पर फेस डिफरेंस कितना पाई है और यहां के बीच का डिस्टेंस क्या, लेमडा बाई टू। देन फर्दर अगर हम थ्री पाई बाई टू की बात करें, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, तो इसका यहां पर देखिए कितना हो जा रहा है, थ्री लेमडा बाई फोर। और ये टू पाई के फेस डिफरेंस पे अगर आप देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, कंप्लीट लेमडा। इसी तरह से एक और लेमडा बाई फोर एड हो जाएगा, फाइव लेमडा बाई फोर। देन ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, सिक्स लेमडा बाई फोर, दैट इज कितना हो जाएगा, थ्री लेमडा बाई टू। तो देखिए जरा सा इन्हीं पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सेम जैसे लेमडा का यहां पर फर्क पड़ रहा है, उसी तरह से टाइम डिफरेंस भी ऐसे ही चलेंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने यहां पर बात आपको समझाई, दैट इज थ्री टी बाई फोर एंड कंप्लीट टी, फाइव टी बाई फोर और ये यहां पर थ्री टी बाई टू। क्योंकि टाइम और लेमडा मैंने आपको बताया था, वेवलेंथ और टाइम पीरियड बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। तो यहां पर बच्चों कितना हो गया, ये आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि लेमडा टी तो एक ही तरह से चलेंगे, ये यहां पर फेस डिफरेंसेस आपको दिखलाई दे रहे हैं। जीरो के लिए तीनों ही जीरो है, पाई बाई टू पर आप देख सकते हैं लेमडा बाई फोर, टी बाई फोर, पाई के फेस डिफरेंस पर ये लेमडा बाई टू होता है यहां से आज तक, टाइम पीरियड भी यहां से आधा है टी बाई टू, दोनों ही बिल्कुल उसी तरह से देखिए चलेंगे। और ये थ्री पाई बाई टू फेस डिफरेंस पर अगर आप देख रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं, उनके लिए वेवलेंथ कितना, इतना लेमडा बाई फोर तीन बार और टाइम पीरियड भी टी बाई फोर थ्री टाइम्स करेंगे। तो ये आपको मिल रहा है, तो ये आपको क्लियर होगा यहाँ पर। अभी हम आपको फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन दे रहे हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, और इसी तरह से फेस डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के लिए रिलेशन दे रहे हैं। तो देखिए कि टू पार्टिकल्स जिनके लिए हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि फेस डिफरेंस कितना, डेल्टा फाई, ये आप रिलेशन अपने पास रख लीजिए, अपॉन टू पाई, ये आप लोग फेस डिफरेंस अपॉन टू पाई, और यहां पर देखिए इसी को डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी अपॉन ये टी, ये आप लोग जरूर अपने पास में रख लीजिए। अब हम आपको बताएं कि जब भी इस पर बात करनी है तो आप इसे ले लेंगे, दैट इज डेल्टा पाई इज इक्वल टू टू पाई डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, या फिर डेल्टा पाई इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी डेल्टा टी। ये यहां पर दो पार्टिकल्स के लिए जिनका पाथ डिफरेंस इतना है उसके लिए यहां पर फेस डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, और दो पार्टिकल्स जिनका टाइम डिफरेंस डेल्टा टी है तो उनके भी लिए आप फेस डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं दोनों पार्टिकल्स के लिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है, पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है तो पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो यहां पर आप रख करके देख लीजिए, इफ दिस इक्वल्स टू देन डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू पाई हो जाएगा, लेमडा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर टाइम डिफरेंस कैपिटल टी है तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा।
तो नोइंग दिस बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और अपनी ये तो बातें जो थी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने थे। अब जिस बात पर हम आते हैं वो है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग। तो प्रोग्रेसिव वेव की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इस पर जो आप लोगों ने अपने क्लासेस में पहले देखा हुआ, हम सीधे बात करना चाहेंगे प्रोग्रेसिव वेव के लिए। उसका हम आपको इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन पर वर्क करेंगे, क्वेश्चंस भी उसी पर बेस्ड आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं जो इसका इक्वेशन देना चाह रहा हूँ, प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव देना चाह रहे हैं आप लोगों को बच्चों। तो इस पर देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उस पर हम बात करें तो देखिए जरा सा, इस पर अब आप लोगों को ध्यान देना है दैट इसके लिए y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन, पहले तो आप ये याद रखिएगा ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, किसमें है, पॉजिटिव पॉजिटिव x डायरेक्शन है इसका, याद रखिएगा। नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहां पर x डिस्टेंस पर कोई एक पार्टिकल है एट एनी इंस्टेंट t, जिसके लिए यहां पर a तो एम्पलीट्यूड आप देख पा रहे हैं, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना है, उसके लिए यहां पर बच्चों प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का ये इक्वेशन आपको दिया गया है। अब इसी में हम आप लोगों को ये भी बता दें, इसका दूसरा फॉर्म है उसे भी आप लोग देख लीजिए, कि अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहते कि देखिए a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, तो ये दो फॉर्म आप याद रखिएगा, और अगर इनिशियल कोई फेस है तो प्लस फाइव आपको यहां पर मिल जाएगा, अगर इनिशियल फेस है इसमें प्लस माइनस में जो भी है तो फाइव वो एडिशनल हो जाएगा इसमें, इनिशियल फेस के लिए प्लस माइनस फाइव और लग जाएगा फेस में। तो बच्चों यहां पर ये दो फॉर्म आप लोगों को याद रखने हैं, जहां पर हम आपको ये भी बता दें कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था 2 पाई बाय लेमडा, इसको याद रखिएगा, इसी से बदल लेते हैं, दूसरे फॉर्म में बदल लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 पाई को अगर अंदर कर रहे थे 2 पाई बाई टी को ही मैंने ओमेगा नाम दिया है, और 2 पाई बाई लेमडा को मैंने के नाम दिया हुआ है यहां पर, तो ये वही तो फॉर्म है। और वी इज इक्वल टू एल लेमडा से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ये दो याद रखे हैं। अगर हमारे पास सवाल आएंगे तो आप देखेंगे हम इसी को लेकर के चलेंगे और इससे हम सभी बातों को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चों, एम्पलीट्यूड यहां पर ए ये जो दिया हुआ है, इसका यूनिट जो भी होगा वाई का यूनिट वही है, और ओमेगा आप जान रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जो प्रोग्रेसिव वेव के लिए कोई पार्टिकल है उसके बारे में बात हो रही है, जिसका डिस्टेंस क्या है एक्स है, तो उसका वाइब्रेशन जो हो रहा है वाई एक्सिस पर वो डिस्टेंस यहाँ पर वाई से दर्शाया गया है। तो अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, इस पर बात हमारी अभी आगे होती रहेगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इसकी बात करेंगे, देखिए तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें हैं इसके चैप्टर में, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, हम आप लोगों को दिखलाएंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको वो समझ में आएंगे। अब बच्चों बताना चाहूंगा आपको, ट्रांसवर्स वेव के प्रोपोगेशन के लिए स्ट्रिंग में जो टेंशन टी होता है, स्ट्रिंग टेंशन टी जो फोर्स उस पर लगाया जा रहा है स्ट्रिंग पर, उसको तो बच्चों करते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं। तो बच्चों अगर टेंशन टी होता है तो वेलोसिटी जो आप देख रहे हैं रूट टी अपॉन एम, वेयर टी तो क्या है यहां पर टेंशन है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एम क्या है मास पर यूनिट लेंथ। ये जो देख रहे हैं वायर का स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ओके, मास ऑफ स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ। तो यहां पर देखिए अगर हम मास की बात कर ले, सपोज डायमीटर, सपोज इफ डायमीटर, डायमीटर इज कैपिटल डी एंड डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द वायर इज रो, डेंसिटी ऑफ द वायर इज रो, देन मास पर यूनिट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन यूनिट लेंथ है ना, तो यूनिट लेंथ के लिए टोटल लेंथ लेंथ से डिवाइड कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा यहां पर एम के लिए यूनिट ही है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर, कंफ्यूज मत होइएगा। डायमेंशन अगर आप इसका देखें तो एम एल माइनस वन। चलिए तो वॉल्यूम कितना पाई इंटू आर स्क्वायर, आर डेंसिटी डी है तो डी बाई टू स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, जैसे सिलिंड्रिकल वायर है तो सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ उसका एल है, लेंथ एल है ना, एंड लेंथ लेंथ इज कितना एल, लेंथ कितना है एल लेंथ के लिए ठीक है, तो लेंथ एल है तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच इनटू रो डेंसिटी है अपॉन एल। अब ये देख रहे हैं एल कैंसिल आउट हो गया तो आपको कुल मिलाकर के क्या मिल गया पाई डी स्क्वायर रो अपॉन फोर, इतना आपको यहां पर मिल जाता है एम। तो वेलोसिटी देखिए कितनी हो जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एम को सब्स्टिट्यूट करने पर आपको कितना मिल जाएगा पाई डी स्क्वायर रो और ये फोर ऊपर हो जाएगा, और अभी आप देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं टू अपॉन डी, डी तो स्क्वायर बाहर ले लीजिए, अंडर रूट टी अपॉन पाई इंटू रो। दिस इज वॉट वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है ना, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, तो इस तरह से आप इसकी वेलोसिटी पा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से दो छोटे छोटे टर्म में पावर एंड इंटेंसिटी पर बात करना चाह रहे हैं, तो चलिए पावर को लिखते हैं। पावर क्या है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो इसके लिए फॉर्मूला देंगे सीधी बात हम उस पर कर रहे हैं, किसी भी समय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी क्या है पावर ही तो है, रेट ऑफ एनर्जी टाइम के लिए, एनर्जी अपॉन टाइम पावर को ही तो कहेंगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होता है स्ट्रिंग में है ना, तो स्ट्रिंग में जो ट्रांसफर होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनर्जी अगर हम ले रहे हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, उसको हम लोग यहां पर पावर नाम दे रहे हैं, और जब पावर जान लेंगे तो हम इंटेंसिटी की भी बात कर लेंगे है ना। तो सबसे पहले पावर, पावर पी इज इक्वल टू क्या एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के लिए बच्चों यहां पर बताना चाहूंगा यूनिट टाइम, हम टाइम को यूनिट ले रहे हैं तो यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी होगी वही हमारा क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको सीधा हम लोग कह सकते हैं यहां पर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना। देखो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा
वॉल्यूम देखिए सरफेस एरिया एस है और मैंने कहा पर यूनिट टाइम है ना, पर यूनिट टाइम। अगर हम एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर देख रहे हैं पर यूनिट टाइम के लिए देख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया और डिस्टेंस ये मिल करके वॉल्यूम दे देंगे, और जैसे मैंने उसके लिए बोला एनर्जी डेंसिटी के लिए तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको यहाँ पर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये तो हो गया क्या पावर, है ना, ये पावर हो गया। और अब हम आपको बताएं इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब लगा देंगे तो कुल मिला करके ये आपको जो मिल जाएगा सरफेस एरिया कैंसिल हो जाएगा इस। तो देखिए यहां पर इंटेंसिटी पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, तो पावर बच्चों हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस वी, और देखिए क्रॉस सेक्शन यहां पर एस है तो आपको ये कैंसिल आउट होकर के कितना मिल रहा है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, इतना मिल रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी नोट किया जाए, ये इतना इंटेंसिटी मिलता है। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया ने क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ऑफ द स्ट्रिंग। और यहां पर यूनिट टाइम भी कहना जरूरी है क्योंकि यूनिट टाइम तो मैंने पहले ही लिया था तभी तो सारी बातें बनी थी। तो यहां पर एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज दिस, ये जो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी के लिए पी अपॉन एस, आप सीधे सीधे याद रखिए या फिर यहाँ पर इसको इस तरह से भी जान लेंगे। तो अभी आपको बच्चों अगर ओमेगा को 2πn रख करके आप देखें तो ओमेगा यहाँ पर कितना 2πn जब रख देंगे तो पाएंगे कि इंटेंसिटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ए यहां पर क्या है देख रहे हैं एम्पलीट्यूड है, तो ये टर्म निकल करके इससे आ जाएगा, बाकी तो सारे टर्म हमारे कांस्टेंट हैं भाई। ये आप देख रहे हैं ए स्क्वायर और यहां पर से ये 2πn रखेंगे तो 4πn स्क्वायर हो जाए, 4π स्क्वायर एन स्क्वायर, तो बाकी चीजें यहां पर कांस्टेंट होकर के यही आप लोग इंटेंसिटी के लिए यूज भी करते हैं। अब देखिए एक टर्म और इसमें आके आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इतनी बातों के बाद, कुछ सवाल भी लगाना चाह रहे हैं थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा टर्म बच्चों उसको आप लोग जरूर करेंगे जिसे हम यहाँ पर नाम देंगे वेव फ्रंट। आप जानते हैं वेव फ्रंट एक इमेजिनेशनरी सरफेस है जिस पर कि वेव क्या होता है इंसिडेंट होता है, वेव क्या होता है इंसिडेंट, तो इमेजिनरी सरफेस एट विच वेव इंसिडेंट, वेव इंसिडेंट करता है इमेजिनरी सरफेस पर, और वो भी कैसे परपेंडिकुलरली करता है। तो परपेंडिकुलरली जब भी करता है तो इस तरह के हमारे तीन केसेस होते हैं बच्चों, एक तो होता है प्लेन वेव फ्रंट होता है, और दूसरा कैसा होता है स्फेरिकल हो जाता है, एक हो जाता है सिलिंड्रिकल। ये बेसिक है, आप लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो स्फेरिकल में क्या है, लाइट है वो किसी, जैसे मान लीजिए बल्ब है ग्लो कर रहा है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का, और जैसे ट्यूबलाइट जैसी बात है तो वो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकली जाएगा। इसका आप लोग फिगर भी देख सकते हैं, पहले भी आपने देखा हुआ है। और प्लेन के लिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कहा ना परपेंडिकुलरली सरफेस एरिया पर ये इंसिडेंट करता है वेव। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस है इसको हम लोग यहाँ पर
वेव फ्रंट का नाम दे रहे हैं। अब इसके बारे में बच्चों एक बात और हम आप लोगों को बता दें, तो ये क्वेश्चन देखिए एक हमने आप लोगों को यहाँ पर दिया है जिसमें एक वेव ट्रेन के लिए ये आपको फिगर दिया है, एक वेव ट्रेन बी के लिए ये दिया हुआ है, ए के लिए ये दिया हुआ है, और इन दोनों ही के लिए इन्होंने यहाँ पर इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने सोचा आप लोगों को एक बताया जाए। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो क्या लगा सकते हैं, देखिए आई ए और आई बी यही तो आपसे पूछा गया है, तो एन ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और एन बी स्क्वायर और ए ऑफ बी, मैंने पहले का एम्पलीट्यूड ये आपको ए से दिखलाई दे रहा है, और या इसको आप ऐसा कर लीजिए स्मॉल ए से दिखला लें तो आपके लिखने में ठीक लगेगा ना, तो ये देखिए आप सही लग रहा है। अच्छा ये आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालने हैं इससे और आपको रेशियो मिल जाएगा, रेशियो के लिए यहाँ पर लगाया है फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर में फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो साफ साफ आपको दिखलाई दे रहा है कि टाइम टू में यहाँ पर टाइम इस एक्सेस में दिखलाया गया पूरा एक यहाँ पर वेव बन रहा है, और यहाँ पर टू में आप देख सकते हैं तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो ये सेम टाइम पर फ्रिक्वेंसी इसकी डबल है, पहली बात तो यही हो गई आपके सामने। तो आप इसको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इसकी लेंगे, सेकेंड वाले की फ्रीक्वेंसी लेंगे एन बी दैट इज लेंगे, वो क्या है 1:2 के रेशियो में, तो 1:2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाए। अब जरा सा एम्पलीट्यूड की बात कर लीजिए, तो यहां पर देखिए ए वाले में एन ए जो लिखा हुआ है इसका एम्पलीट्यूड यहां पर 2 यूनिट दिखला रहा है और ये कितना है 1 है, तो अभी ये चीज तो यहां पर 2:1 का हिसाब बन जाएगा, और इस तरह से ये कुल मिलाकर के 1:1 ही हो जाएगा, 1:1 का रेशियो आ गया। तो ये आपने यहां पर इंटेंसिटीज का रेशियो निकाल लिया, जिसे आप 1 भी कह सकते हैं 1:1 भी कह सकते हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस लगाए जाएंगे तो वो तो मैं लगवाऊंगा ही आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे, लेकिन आगे अभी यहां पर हम चल रहे हैं बच्चों साउंड वेव्स और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड वेव्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों साउंड वेव्स हमारे जो हैं इनमें अल्ट्रासोनिक आते हैं, सुपरसोनिक आते हैं, और अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ये हमारा ऑडिबल साउंड जिसको कि हम यहाँ पर सुन पाते हैं, तो इन सभी की रेंज होती है, बस ये आपको याद रखना है इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक, तीनों का ही आप ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए इंफ्रासोनिक वेव्स के लिए, तीनों को ही यहाँ पर नोट कीजिए, इंफ्रासोनिक वेव्स हमारे 20 हर्ट्स तक के होते हैं और इनको हम लोग यहाँ पर सुन नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही कम इसका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमें आपको याद दिलाना है किसके लिए, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक के लिए देखिए आप रेंज लिख लीजिए, इंफ्रासोनिक के नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, इंफ्रासोनिक दैट इज क्या है 20 हर्ट्स होता है और ये के नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमन बीइंग, है ना, हम लोग इसको हमें ये ऑडिबल नहीं है, ठीक है।
दूसरा आप देखिए ऑडिबल जो हमें है वो क्या है, इससे ऊपर और 20,000 तक। तो ऑडिबल रेंज भी लिख लीजिए, ऑडिबल वेव्स हमारे कितना है 22 सेकेंड लिख लीजिए, और ऑडिबल वेव के लिए 20,000 हर्ट्ज, ये लिख लीजिए 20,000 हर्ट्ज, ये क्या है ऑडिबल रेंज, ये होता है। और इसी को हम लोग यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जिनका कि फ्रीक्वेंसी, तो लॉन्गिट्यूडिनल तो ही सुनने के लिए हमारे लिए जो जो हमारे ऑडिबल जितने भी हैं वो सारे तो जान ही रहे साउंड वेव्स, तो एयर में सब क्या है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल है, और इनकी रेंज आपको फ्रीक्वेंसी की दी हुई है कितना 20,000 to 20,000, इनको नोट कीजिए बच्चों। देन अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या होते हैं, इनसे भी ऊपर होते हैं, है ना, और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ये जो बैट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा ये सुने जा सकते हैं, है ना। तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है अबव, है ना, ट्वेंटी थाउजेंड से ऊपर बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, जितने भी ऊपर के होते हैं इनको यहां पर तीसरा ये अल्ट्रा सोनिक वेव्स अबव 20,000 हर्ट्ज, है ना, अबव 20,000 हर्ट्ज है, इनको आप लोग बस एक अपने दिमाग में रखिए कि हर्ट बाय बैट्स, है ना। आप देखिए आगे हम लोग, अच्छा ये एप्लीकेशंस वगैरह भी आप लोग देख लीजिएगा, तो आगे चलिए चलते हैं। तो बच्चों आगे चलने से पहले एक छोटे सा और दिमाग में एक बात आई, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं इनके एप्लीकेशंस के बहुत ही लार्ज रेंज हैं, तो जिनमें आपको बताएं कि जो सी का जो गहराई है, समुद्र की गहराई के लिए इसको यूज़ करते हैं, और सबमरीन और आइसबर्ग्स हैं मान लीजिए, उनको डिटेक्ट करते हैं कि किस दूरी पर हैं। इसी तरीके से जो फाइन इंटरनल क्रैक्स होते हैं उनका भी पता इन्हीं से लगाया जा सकता है, और स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट वगैरह इनको जो है किल करने के भी लिए इनका यूज हम लोग करते हैं। तो चलिए ये छोटी सी बात जानने के बाद आगे चलते हैं, इक्वेशंस ऑफ साउंड वेव। तो इसमें हम लोगों ने यहां पर वाई इज इक्वल टू जो इक्वेशन देखा था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो था डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म था, कौन सा फॉर्म था डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी में एक बारीक छोटी सी बात है तो मिस ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग कहेंगे प्रेशर वेव फॉर्म, प्रेशर वेव फॉर्म। तो प्रेशर वेव फॉर्म भी उसी तरीके से ही है जिसको यहां पर हम लोग इस तरह से दिखलाएंगे, देखिए प्रेशर, प्रेशर वेव फॉर्म। तो देखिए जरा सा यहां पर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस और जो रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं उसमें जहां कहीं पर जब कंप्रेशन मिलेगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो आप देख रहे हैं और रेयर फ्रैक्शन, इसमें हम लोगों के को यहां पर प्रेशर फॉर्म जो हम कह रहे हैं उसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेशर वेव्स होते हैं कॉल्ड प्रेशर वेव्स ड्यूरिंग कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस, जो वेव्स हमारे होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर प्रेशर वेव्स का नाम देते हैं, और ये यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अभी जो पी नॉट देख रहे हैं ये एक्चुअली
हमारा क्या होता है ए बी के शॉर्ट में इसको यहां पर कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड है, बल्क मॉडुलस है, और के आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये हमारा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये बल्क मॉडुलस, और ये जो देख रहे हैं इसको हमने प्रोपोगेशन कांस्टेंट आप लोगों को बताया था। तो ये कांस्टेंट है बच्चों। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स के वेलोसिटी देख लिया और ये सारी बातें कर ली। अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के जो स्पीड की बात करनी बाकी है, तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को भी जान लिया जाए। तो देखिए जरा सा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए न्यूटन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। इसी पर हम लोग बात करेंगे तीनों ही मीडियम्स में, और देखेंगे कि इनका फॉर्मूला गैसेस के लिए परफेक्ट नहीं था, तो यहाँ पर क्यों उसने एक करेक्शन बाद में लाप्लास ने किया था वो भी आपको बताऊंगा, जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ना, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस तरह से आप लोग दिखला रहे थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन द डेंसिटी। यहां पर जान रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस उन दोनों में ही यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये था किसी भी मीडियम के लिए फॉर देखिए एनी मीडियम, ये जनरल फॉर्मूला एक उन्होंने दिया था, इसको हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं ना, न्यूटन फॉर्मूला। अब देखिए इसमें बच्चों यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन ये जो डेंसिटी है, अगर हम बात करते हैं फॉर सॉलिड मीडियम, तो सॉलिड मीडियम के लिए क्या करते हैं फॉर सॉलिड, तो यहां पर आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वाई अपॉन रो के नाम से इसको जानेंगे। यहां पर डेंसिटी ऑफ मीडियम है और इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां पर यंग्स मॉडुलस जिसको देख रहे हैं वाई यहां पर रखा हुआ है। अगर यहां पर लिक्विड मीडियम की बात करते फॉर लिक्विड मीडियम, तो इसके लिए जब हम बात करते हैं तो यहां पर बच्चों क्या रख लेते हैं बी अपॉन रो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर सॉलिड्स में और लिक्विड मीडियम दोनों में ही न्यूटन का फॉर्मूला परफेक्ट बैठ रहा था, जो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे वैल्यूज आ रहे थे वो नियरली सेम आ रहे थे। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने क्लास 12th में ये पढ़ा भी होगा, 11th 12th में। तो अभी मैं यहां पर आपको बताऊंगा जब गैसेस में इनका फॉर्मूला लगाया गया, दैट इज यहां पर इन्होंने क्या लगा दिया फॉर गैसियस मीडियम, इन्होंने जो एज्यूम किया था यहां पर दैट पी अपॉन रो लगा दिया था। देखिए गैसियस मीडियम के लिए प्रेशर यहां पर ये पी है बच्चों, ये और ये डेंसिटी रो आपको दिखलाई दे रहा। तो इसमें जब इन्होंने इसको फाइंड किया तो ये काफी डेविएट कर रहा था, जो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे वैल्यू था उससे 280 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आ रहा था, और जबकि बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये 330 मतलब परसेंटेज काफी ये डिफर कर रहा था। तो इसके लिए एक्चुअली लाप्लास ने इस पर एक करेक्शन दिया, उन्होंने कहा कि जो चेंजेस होते हैं एक्चुअली एडियाबेटिक, उनमें क्या होता है कि जब हीट प्रोड्यूस होता है कंप्रेशंस के समय पर
तो वहां पर से वो बाहर निकल नहीं पाता और रेयरफेक्शंस के समय पर इतनी जल्दी होते हैं कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस कि जो हीट प्रोड्यूस होता है बाहर नहीं जा पाता और जो रेयरफेक्शन के समय हीट के कमी होती बाहर से अंदर नहीं आ पाती। सो दैट वहां पर इन्होंने इसको करेक्ट किया और एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको यहां पर गामा आप लोग जान रहे हैं। तो ये इसका वैल्यू 7/5 इतना। तो जब ये वैल्यू यहां पर इन्होंने रख दिया तो अभी देखिए ये कितना आ रहा था, ये तो इससे आ रहा था 279 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 280 और जब इसका वैल्यू रख दिया 1.41 इनटू दिस, ये इसका वैल्यू रखने के बाद 279 तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, ये जो वैल्यू रख दिया इसका बच्चों ये रूट गामा है, सॉरी रूट गामा, तो ये आ गया 331 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो ये करेक्शन किस नाम से जाना जा रहा है, यहां पर लाप्लास करेक्शन के नाम से इसको हम लोग जान रहे थे। तो पहले इसको जो वैल्यू लगा रहे थे एक्चुअली प्रेशर का वैल्यू और डेंसिटी रख रहे थे जब, तो वो उस समय पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसको बच्चों सॉल्व किया गया था एनटीपी पर। तो इसमें आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख दिया 1.01 × 10^5 और डेंसिटी इसका रख दिया 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब ये रखने पर डेंसिटी कितना आपने अभी यहां पर 1.3 रख दिया, तो ये सॉल्व करने पर इतना ये वैल्यू आ रहा था जो कि डिफर कर रहा था और बाद में यहां पर ये लाप्लास करेक्शन के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया कि कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन के समय पर जो हीट डेवलप होता है और जो हीट की कमी होती है वो इतना जल्दी जल्दी होते हैं कि ये जो डेवलप हीट है वो बाहर नहीं जा पाता और बाहर से अंदर नहीं आ पाता। सो दैट उस समय पर इसको यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया गया जिसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको लगाने के बाद ये वैल्यू करेक्ट हो गया था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखें। अब हम लोग आगे चल रहे हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज पर बात करेंगे। तो वेरियस क्वांटिटीज का इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का, डेंसिटी का, इन सब का, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसको हम डेंसिटी को एक्चुअली अगर हम यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो आप इसमें देख रहे हैं वी इज इक्वल टू दिख रहे थे ना, हाँ वी इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो, और इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो डेंसिटी है यहाँ पर इसको हम लिख दें मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, पी तो पहले से ही है और देख रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये पीवी, और पीवी को आप लोग जान सकते हैं कितना लिख देंगे एनआरटी लिख देंगे अपॉन एम। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये यहां पर गैसेस के लिए क्लियर आपको दिखलाई दे रहा है कि कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है सारे के सारे, तो ये यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी दिखलाई दे रहा है। तो अभी आप इसको और ये यहां पर गैस के लिए जो एम रखा गया है, तो अगर वेरी करेगा डिफरेंट गैसेस के लिए तो इसका वैल्यू भी यहां पर चेंज होगा। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर नोट कर लें फॉर इफेक्ट ऑफ, नोट कर लीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग यहां पर नोट करेंगे।
तो चलिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे पहले देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए फॉर अ गैस, किसी भी एक पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है, तो उसमें अगर टेम्परेचर वेरी कराएंगे तो हर बार उसका मास तो वही रहेगा, तो गामा और एम कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। और ये देख रहे हैं आप लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो इसको अगर हम यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अगर बात करें तो वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट टी टू अपॉन टी वन, और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, टी प्लस 273 अगर डिग्री केल्विन में सॉरी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, तो ये यहाँ पर इस तरह से रख के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके वैल्यू को भी अगर आप यहां पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसे लेना चाहें बच्चों, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, वी टू अपॉन वी ओ इज इक्वल टू यहां पर टी प्लस 273 अपॉन जीरो डिग्री के लिए 273, दैट मींस ये हो जाएगा टी अपॉन, देखिए ये 1 प्लस टी अपॉन 273 और होल पावर हाफ अंडर रूट, तो हम लोग हाफ पावर भी तो कहते हैं ये, और ये वी ओ यहां पर। अब देखिए इसको अगर हम 1 अपॉन 273 करके देखें तो इसका वैल्यू बच्चों आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट, देखिए ये यहां पर जो आप देख पा रहे हैं इसको पहले तो बाइनोमियल जो मैंने आप लोगों को बताया था उसको समझने की कोशिश करिए, तो उससे अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये यहाँ पर हाफ इधर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा, याद कीजिए 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन मैंने अपने मैथ्स क्लास में बताया था, तो यहाँ पर मैंने कहा था दो ही टर्म तक खोल लेते हैं, हायर पावर्स को छोड़ देते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स करेंगे तो ये यहां पर हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर वी नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्सपेंड कर दें, ब्रैकेट खोल दें, देखिए तो वी टू कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस, अभी जब इसका वैल्यू रख करके और ये डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.61 समथिंग, ये 573 है बच्चों, 546 है इसका वैल्यू रखेंगे तो वी नॉट प्लस 0.61 ये जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करके ऑफ, तो जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा उसका 0.61 टाइम्स क्या हो जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा इसका स्पीड, तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए। वी का वैल्यू यहाँ पर मैंने बताया कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो ये इतना आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर बात करें तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, तो जब भी ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड जैसे मॉइस्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड इसका बढ़ जाता है बच्चों, तो ये याद रखिए कि वी इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो जो लगा रहे थे, तो उसमें क्या होगा कि ह्यूमिड अगर होगा तो उसमें क्या होगा, स्पीड इसका बढ़ जाएगा, ह्यूमिड एयर में क्या होता है, साउंड ट्रेवल फास्टर, तो जब फास्टर ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड निश्चित रूप से बढ़ जाएगा,
रेनी सीजन में खास करके आप जो देख पा रहे हैं, ड्राई के कंपेरेटिवली अगर बात करें तो टेम्परेचर सेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पीड इसका बढ़ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर आप कभी ध्यान दीजिएगा, रेनी सीजन में तमाम से जो साउंड आपको सुनाई देते हैं वो ज़्यादा सुनाई देंगे। आगे बात करते हैं बच्चों अगर हम प्रेशर के इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ह्यूमिड से आपने जाना कि स्पीड बढ़ जाएगा, ओके, और टेम्परेचर से भी बढ़ रहा है स्पीड। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर की, तो बच्चों प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर हम ऊपर जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, तो जब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाती, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। याद रखिएगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का फर्क आपने देख लिया, ह्यूमिडिटी के भी लिए देख लिया, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, है ना, इंक्रीज करता है। ह्यूमिड होगा ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर में स्पीड, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वेयर एज इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर देखेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा नो इफेक्ट याद रखिएगा, बिकॉज डेंसिटी पर भी फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे में टेम्परेचर रिमेन सेम, तो टेम्परेचर रिमेन सेम पर तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, डेंसिटी पर उसी तरह से फर्क पड़ जाता है। सो दैट आप जानते हैं प्रेशर अपॉन डेंसिटी जो आपको दिखाई दे रहा है, गामा पी अपॉन रो, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम आगे बात करें इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की बात, हाँ प्रेशर पे उसको तो आपने देख लिया। अच्छा ये भी आपको बता दें बच्चों, ये देखिए जरा सा, अगर हम प्रेशर इसको हमने इस फॉर्म में ही तो लिखा एनआरटी अपॉन एम, तो देख रहे हैं सीधे सीधे टेम्परेचर पर बात आ गई और टेम्परेचर रिमेन सेम, तो यहां पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर की बात करें, तो अगर एयर का सपोर्ट है तो V प्लस W हो गया, और V माइनस, तो यहां पर इसका इफेक्ट ये पड़ जाता है कि अगर यहां पर एयर का स्पीड यहां पर कितना, W है स्पीड ऑफ एयर, तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन, है ना, इन द डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, याद रखिएगा, छोटी सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना माइनस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और अगर सपोर्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी बात, तो लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करें, तो लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इसके लिए आप यूं समझ लीजिए कि हाई और लो, हाई और लो कहते हैं ना कि बहुत लाउड है साउंड या बहुत ही धीमा है, तो डेसिबल में इसकी काउंटिंग होती है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी बात वो भी जान लेना चाहेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता बच्चों ये लाउडनेस, देखिए शेप पर डिपेंड करता है और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो शेप एंड साइज ऑफ सोर्स इस पे, जैसे कॉलेज का घंटा है, मंदिर का घंटा जैसे होता है, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस के लिए एक्चुअली हम आप लोगों को बताएं कि छोटा सा ये
अगर लाउडनेस को यहां पर इससे दिखला रहे हैं तो लॉग एट द बेस 10 आई इंटेंसिटी पर ये बच्चों डिपेंड करता है। देखिए इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। एल है कैपिटल एल, यहां पर ये कैपिटल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस ये डायरेक्ट आप लोग इसको देख लीजिए। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लाउडनेस ऑफ साउंड किसी इंटेंसिटी की बात करें तो उसको इतना लिख सकते हैं दैट एल इज इक्वल टू 10 log एट द बेस 10 आई अपॉन आई नॉट, इससे आप दिखला लेंगे। यहां पर ये जो लाउडनेस आपको हमने दिखलाई है ये आई नॉट जो है यहां पर ये थ्रेशोल्ड के लिए है। थ्रेशोल्ड आप जानते हैं टर्म को अच्छे से, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं जीरो डेसिबल कह देते हैं। आई नॉट क्या है जीरो डेसिबल के लिए यहां पर है थ्रेशोल्ड। तो लाउडनेस का ये छोटी सी एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि रेंज इसकी अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। एक तो होता है कि बहुत ही टॉलरेबल नहीं है लाउडनेस, इतना ज़्यादा 120 डेसिबल तक जब ये हो जाता है या इससे ऊपर चला जाता है तो ये अनबियरेबल होता है, मतलब इसको नहीं सुना जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम है। और 70 तक जो है, अगर 70 डेसिबल है तो 70 डेसिबल पर क्या होता है शाउट कहते हैं कि आप शाउट हो गया, शाउट कर रहे हैं। 60 डेसिबल हमारी ऑडिबल रेंज होती है, और इससे नीचे पर विस्परिंग हो जाता है। जैसे विस्परिंग के लिए 10 डेसिबल अगर आप कह दें तो ये हमारा क्या है विस्परिंग है। लेकिन जीरो जो आप देख रहे हैं डेसिबल है वो क्या है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, एक जो आप कह लीजिए कि मिनिमम यहां पर एक रेंज है थ्रेशोल्ड जिसको आप कह रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना जीरो डेसिबल है, उसके ऊपर 10 डेसिबल वो हम लोग विस्परिंग के नाम से जानते हैं, 60 डेसिबल हम लोगों को ऑडिबल होता है ठीक से सुन पाते हैं, 70 डेसिबल शाउटनेस है शाउट है, और उससे ऊपर 120 जो मैं बता रहा हूँ कि टॉलरेबल नहीं है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सुनने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा शाउट हो रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, एक टर्म है पिच है क्वांटिटी जिसको सॉरी क्वालिटी टिम्बर कह देते हैं या फिर पिच है, इन सब के बारे में बहुत ही पिछले क्लासेस में छोटे क्लासेस में आप लोगों ने जरूर 10th लेवल पर देखा होगा, या नहीं देखा है तो छोटी छोटी बातें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। तो टाइम को सेव करना है इसमें, ज़रा सा आप ग्राफिकली ज़रूर इसको देखिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास में एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, इसको भी हम आपसे बताएं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टू और मोर वेव्स किसी मीडियम में जब प्रोपोगेट करते हैं तो उनके रिजल्टेंट जो वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड किन्हीं पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेम फेस में होते हैं अपोजिट फेस में होते हैं तो कहीं कहीं पर बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पर सुपर पोजिशन से जो हमारा वेव बनेगा वो क्या होगा, सभी जो वेव्स होंगे उनके डिस्प्लेसमेंट से जो रिजल्टिंग वेव हमारा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं, y1 y2 और y3 से हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए बच्चों यहाँ पर ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना y1 + y2 + y2 ये डिस्प्लेसमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके रिजल्टेंट से जो वेव आपको मिल पा रहा है। तो रिजल्टेंट वेव ऑफ पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम के किसी भी पॉइंट पे जो तमाम सी वेव्स हैं उनका जो रिजल्टेंट है
और किसी भी इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, वेक्टर सम होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये वेक्टर लगा दिया, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट जितना भी है, तो वो जो सबके वेक्टर सम से अलग अलग वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम क्या होता है, रिजल्टेंट वेव जो हमारी है सुपरपोजिशन से जो मिल रही है। अब इसमें आप लोगों को बच्चों बता दें कि इंटरफेरेंस भी है, तो यहाँ पर इक्वल फ्रिक्वेंसी के जब वेव्स होते हैं और नियरली देखिए दो वेव हैं, इक्वल फ्रिक्वेंसी है और नियरली सेम एम्पलीट्यूड है, मीडियम में सेम एम्पलीट्यूड है, तभी तो जब अपोजिट वेव्स में पड़ जाएंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है मिनिमम यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी, और जब सेम फेस में पड़ जाएंगे तब मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम होने के लिए, मैक्सिमम तो ठीक है, मिनिमम होने के लिए एम्पलीट्यूड्स क्या है, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेम फ्रिक्वेंसी और लगभग सेम यहाँ पर एम्पलीट्यूड के जब वेव्स मीडियम में प्रोपोगेट करते हैं तो उनके रिजल्टिंग वेव जो होता है, रिजल्टिंग से जो वेव बनता है उसका इंटेंसिटी किन्हीं पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, किन्हीं पॉइंट्स पे बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। अब यहाँ पर बीट्स की भी बात करेंगे तो सुपरपोजिशन जो दो वेव का होता है बच्चों, तो यहाँ पर इक्वल फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा है ना, टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन जब यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। और अभी हम लोग इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस में मैं आपको सीधा इंटेंसिटी के फॉर्मूले पर ले चलता हूँ। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस बस क्या है कि टू कोहरेंट सोर्सेज ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी सुपर इम्पोज ऑन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज जब हो जाते हैं तो यहाँ पर जो उनकी रिजल्टेंट वेव मिलता है उसमें या इंटेंसिटी कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम हो जाती है, कुछ पॉइंट पर मिनिमम, इसी घटना को हम लोग यहाँ पर इंटरफेरेंस का नाम दे रहे हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए बच्चों यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर हमारे दो वेव्स हैं जिनके इक्वेशंस इस तरह से हैं, देखिए कि y1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस और y2 इज इक्वल टू सपोज कीजिए, ये यहां पर दो इक्वेशंस हमने आप लोगों को दिए हैं y1 और y2 जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये फेस डिफरेंसेस y1 सॉरी फेसेस दोनों के अलग अलग हैं, नियरली सेम एम्पलीट्यूड जिनकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये सपोज कीजिए दो वेव्स हैं और इनके सुपर इम्पोज से जो हमारा वेव बनेगा हम उसके लिए यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो बच्चों पहली तो आप ये देख लीजिए कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन स्क्वायर जानते हैं हम लोग, और इसको क्या कह सकते हैं कि ए वन स्क्वायर कह सकते हैं। इसी तरह से देख लीजिए कि दूसरे वाले के लिए I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू स्क्वायर और यहाँ पर कह सकते हैं आई टू इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर, और जो इनकी रिजल्टेंट बनेगी वेव उसके लिए हम कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर जो रिजल्टेंट बनेगा, तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। आप देखिए जरा सा यहां पर हम आपको इतना बताएं कि जो रिजल्टिंग वेव होगा जो ए जिसके लिए आपने नाम दिया है तो इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस यहां पर, और ये जो आप देख रहे थे दोनों के लिए एंगल था कितना, ये जो फेजेस हैं इससे डेल्टा फाई है ना, दोनों का यहाँ पर फेज डिफरेंस लिया गया फाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई वन फाई टू। आप देखिए इसी से अगर हम इस फॉर्म में इंटेंसिटी के फॉर्म में रखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू आई वन, यहां पर इसको देख सकते हैं ए स्क्वायर है तो यहां पर I1 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे I स्क्वायर को यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं I1 प्लस I2 प्लस टू
और ये देखिए ए वन ए टू को लिखेंगे तो अरे भाई ए वन क्या है, अंडर रूट आई ही तो हो जाएगा, तो रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाई, ये जो आप देख पा रहे हैं। ये बच्चों को गया क्या, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसके लिए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी का बन जाएगा। तो अब देख लीजिए ये आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टिंग वेव मिला है उसका इंटेंसिटी आपको कितना मिल रहा है। अब ये सेम फेस में होंगे अपोजिट फेस में होंगे, वो डिसाइड करेगा ये डेल्टा फाई यहाँ पर डिसाइड कर देगा। तो आप लोगों को यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करें तो दो बातें हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप लोग इतना बस समझिए कि जब ये सेम फेस में होंगे तो मैक्सिमम होगा, और सेम फेस में कब होंगे जबकि डेल्टा फाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना हो, यहाँ पर कॉस डेल्टा फाई प्लस वन हो या माइनस वन हो। मैं कह रहा हूँ बच्चों कॉस डेल्टा फाई प्लस वन या माइनस वन होगा, ये भी प्लस होगा वन, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो वन ही हो गया था, और मिनिमम के केस में कितना हो जाएगा आई मिनिमम होगा, तो यहाँ पर ये कॉस 180 जैसे उसके लिए वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो यहाँ पर रूट आई वन माइनस रूट आई टू ये मिनिमम का केस हो जाएगा। तो इसको बच्चों ये मैक्सिमम और मिनिमम के केस आप लोग याद रखिए, और बहुत सिंपल है, मैं यही पर कहना चाह रहा हूँ इसका वैल्यू जब प्लस वन या माइनस वन हो जाएगा तो प्लस वन पर ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और माइनस वन पर ये बन जाएगा, ये उसी फॉर्मूले से आप लोग निकाल लें यहाँ पर। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अभी एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी, सो दैट आई मैक्सिमम आपने देख लिया इतना हो गया, इसी को हम लोग क्या कह सकते थे आई मैक्सिमम, अब कह सकते हैं आई मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों देखिए इसको हम अगर हम आई के टर्म्स में बात करें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन को हम क्या रख सकते थे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ में, इसको जरूर हम लिख सकते, ये आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए इस तरीके के बातों को ध्यान दीजिए, आप ये मत सोचिए कि काम की बात नहीं है, जरा से भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो बात समझ ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर फर्दर हम लोग रूट आई वन को ए वन और इसको ए टू रख सकते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब आई से हम ए में इसको बता रहे हैं, इसीलिए इसको इसी तरह से कर सकते हैं क्या ए वन माइनस और डिफरेंस ए टू, ये जो आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंस का साइन मैंने लिया है यहाँ पर। तो बच्चों ये आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिल रहा है, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये जो देख पा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये देख पा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कब जबकि यहां पर आप लोगों को वैल्यू मिल रहा है कितना कॉस, ये चलिए ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, मैं बात और इस कॉस डेल्टा फाई कितना हो प्लस वन, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस वन पर, और ये देख पा रहे हैं यदि इफ कॉस डेल्टा फाई इज माइनस वन देन ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस आपके सामने लिखा हुआ है, ये यहां पर है। तो ये देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको यहां से आता है ये, और फिर से मैंने उसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिया तो ऐसा होगा, ये डिस्ट्रक्टिव पे था, तो प्लीज इसको जरा सा ध्यान में रखिए। अब बच्चों मैं आगे आप लोगों से बताना चाहूंगा एक टर्म है छोटा सा बीट्स,
बात हुई थी ना बीट्स की, तो इस पर बात करना चाह रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये आपका थोड़ा सा काम बीट्स को मुझे लग रहा है बच्चों अगले टर्न पे करें, नहीं तो ये वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मे बी कि असुविधा हो। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो काम किया है, इसमें आप लोग अच्छे तरीके से सारे टॉपिक सारे टर्म देख लीजिए और होप कि आपको सभी बातें समझ में आएंगी। बहुत अच्छा आसान चैप्टर है, इसमें आप लोगों को मार्क्स पूरे पूरे मिलने चाहिए। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बीट्स करेंगे और उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स करेंगे, दैट इज स्टेशनरी जो वेव्स हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, बीट्स को हम लोग अगले टॉपिक में कर लेंगे, बहुत छोटी सी एक बात है, तो बीट्स को करेंगे, उसके बाद में हम लोग स्टेशनरी वेव्स पर बात करेंगे, देन डॉपलर इफेक्ट भी लास्ट में करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले टर्न के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, है ना। जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए और सभी बातें समझ में पक्का आएंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें एंजॉय कीजिए। अगले टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।